नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डीएसआर जोन में। मित्रों, कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता अगर ख़राब हो रहा है, बिगड़ रहा है, कोई ऐसा इंसान जो आपकी कदर नहीं करता, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसे आप चाहते हैं, उसके दिल में आपके लिए कोई भावनाएं नहीं है अच्छी, वो आपके लिए अच्छे विचार नहीं रखता, आपसे नफरत करने लगा है या आपसे उसका लगाव खत्म होता जा रहा है, अब वो आपकी इज्जत नहीं करता, कदर नहीं करता, बहुत प्रयत्न करने के बाद, कई प्रयास करने के बाद भी आप अगर सफल नहीं हो रहे हैं अपने उस प्यार, अपने प्रेम के मन में, अपने लिए प्यार की भावना जगाने के लिए, प्रेम पैदा करने के लिए, बहुत ही सरल तुलसी के पत्तों से होने वाला एक उपाय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आप कर लें। वो जो कोई भी इंसान है जो आज आपकी कदर नहीं कर रहा, आपके पीछे पीछे भागेगा, आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, उसे आपकी कदर भी होगी और वो जीवन भर सिर्फ आपको चाहेगा। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। बड़ी ही सरल सी विधि है, ध्यानपूर्वक उपाय को सुने। आपने क्या करना है मित्रों, सप्ताह में शनिवार के दिन इस उपाय को ना करें, अन्य किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत उपाय है, बड़े ध्यानपूर्वक इसे सुने। आपने क्या करना है, दो पत्ते लेने हैं तुलसी के, चाहे रामा तुलसी हो, श्यामा तुलसी, कैसी भी तुलसी हो, आपने उसके दो पत्ते ले लेने हैं। दो पत्ते जब आप लेंगे, उसमें आपने ध्यान देना है, एक छोटा पत्ता होना चाहिए और दूसरा बड़ा। जब तोड़ रहे हो उस समय आपने क्या करना है, जब तुलसी का पत्ता आप पौधे से अलग कर रहे हैं, उस समय आपने छोटा पत्ता जब आप तोड़ेंगे अपने को याद करना है, अपना नाम मन में सोचें, बड़ा पत्ता जब तोड़ेंगे उस इंसान को सोचें जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं। उपाय को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है और किसी के लिए भी कर सकता है, परंतु जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं श्रेष्ठ वो है, यानी बड़ा वो है, क्योंकि आप उसे अपने करीब लाना चाहते हैं, इसलिए आप उसके लिए बड़ा पत्ता लेंगे, उसे बड़े पत्ते पर ही सोचना है। अब आप एक स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। मित्रों, उपाय करने से पहले अपने हाथ मुंह पैर अच्छे से धो लें, स्वच्छ हो जाएं, उसके बाद ही बैठें। बैठने के बाद आपने क्या करना है, लाल रंग का सिंदूर या रोली आप ले सकते हैं, हल्की सी गीली करके पत्तों पर लगा दें, दोनों पर। जब लगाएं तो जो बड़ा पत्ता है जिस पर आप लगा रहे हैं, उस पर आप जब अपनी जो आपके अंगूठे के साथ वाली उंगली है, तर्जनी उंगली, जो आपके इंडेक्स फिंगर है, उससे लगाएंगे, हल्का सा चला दें, बस हल्का सा बीच में लाल कर दें, अधिक हो जाए कोई बात नहीं, और उस इंसान को सोचते हुए लगाएं, अपने वाले पत्ते में भी लगाएं, अपने को विचार लें, अपना नाम लें, पुकार लें, दोनों पत्तों को अपने सामने किसी भी पात्र पर रख लें, प्लेट हो, थाली हो, उस पर रख दें। कैसे रखने हैं ये विशेष बात है, आपने जो श्रेष्ठ है, जो बड़ा पत्ता है, उसको आपने अपनी दाई ओर रखना है, यानी राइट साइड में वो होगा, लेफ्ट साइड में आपका वाला पत्ता होगा। अब आपने आंखें बंद करनी है, ध्यानपूर्वक उस इंसान को सोच लेना है मन ही मन, और जैसा वीडियो में एक छोटा सा मंत्र दिखाया गया है, उस मंत्र का आपने 11 बार उच्चारण करना है, सीधे हाथ से आप गिन भी सकते हैं। आपने आँखें बंद करनी है और सीधे हाथ को आप गिनने में व्यस्त रखें, उल्टे हाथ को आपने अपने सीधे हाथ के कंधे पर रख लेना है, चला लेना है। अब आप मंत्र बोलेंगे, आंखें बंद होनी चाहिए, याद करके आपने मंत्र बोलना है। श्री परम ईश्वर सर्वो, श्री परम ईश्वर सर्वो, बड़ा सरल सा मंत्र है, याद करें तब बोलें। ये 11 बार आप उच्चारित करें, बोलें, उसके बाद जो दोनों ही पत्ते हैं उन्हें आप घर से बाहर एक किसी भी साफ स्थान पर एक साथ छोड़ें, एक साथ जिस दिशा पर जैसे रखे हैं वैसे ही रखें। ये मित्रों आप कार्य कर लें, वो कोई भी इंसान जिसे आप चाहते हैं आपकी कदर करना लगेगा, आपके पीछे भागने लगेगा। अब तक आज्ञा मित्रों, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ख्याल रखें अपना, खुश रहें।